जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मंगलवार सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से आजाद मैदान ले जाया गया। सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने सभी छात्रों को समझाया कि उनके प्रदर्शन से लोगों को परेशानी हो रही है, जगह को खाली कर दें। जब छात्र नहीं माने तो सभी को गाड़ियों में बैठाकर आजाद मैदान शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में प्रदर्शन के दौरान दिखे एक पोस्टर से सियासी बवाल मच गया। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फ्री कश्मीर। इस पोस्टर की ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने भी आलोचना की। इस पोस्टर में अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में फ्री कश्मीर लिखा गया था। जेएनयू के समर्थन में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए प्रदर्शन पर विवाद हो गया। प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर का पोस्टर दिखाई देने के बाद से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। अब इस मामले पर शिवसेना की ओर से जवाब दिया गया। शिवसेना संजय राउत ने दरअसल कहा कि भारत में अगर कोई कश्मीर की आजादी की बात करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू में हुई मारपीट की जिम्मेदारी ली है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। पिंकी चौधरी ने कहा कि छात्रों की पिटाई करने वाले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे। दिल्ली के जेएनयू में 5 जनवरी को मारपीट हुई थी। जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी को जेएनयू में सुरक्षा गार्डों से मारपीट और सर्वर रूम में तोड़फोड़ मामले में 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इस लिस्ट में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का नाम भी शामिल है। निर्भया गैंगरेप केस में आज बड़ा दिन है। गुनहगारों की फांसी की तारीख आज तय हो सकती है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 7 जनवरी तक का समय दिया था। निर्भया की मां की अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की कोर्ट से मांग की है। सीए के विरोध में बंद को लेकर यूपी में फिर अलर्ट जारी हो गया है। 8 जनवरी को वामपंथी दलों और दूसरे संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। संवेदनशीलता देखते हुए डीजीपी ने सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर नोएडा के औद्योगिक इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 8 जनवरी को अलग अलग मजदूर संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। कंपनी मालिकों और कर्मचारियों से भी पुलिस बातचीत कर रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन प्रस्तावों की जानकारी दी। लखनऊ हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेसी कार्यकर्ता सदफ जाफर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी को जेल से रिहा कर दिया गया। 20 दिसंबर को लखनऊ में सीएए के विरोध में प्रदर्शन को लेकर दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। जेल से रिहा होते ही एसआर दारापुरी ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। दारापुरी ने कहा कि जब हिंसा हुई थी तब मैं घर में नजर बंद था। इसके बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, खाना नहीं दिया गया, मुझे ठंड लग रही थी, मैंने कंबल की मांग की लेकिन पुलिस ने मना कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जाफर पूर्व आईपीएस दारापुरी के रिहा होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, अंबेडकर वादी चिंतक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर दारापुरी और कांग्रेस नेता सदफ जाफर पर आज जेल से दरअसल वो रिहा हो गए। कोर्ट द्वारा सबूत मांगने पर यूपी पुलिस बगले झांकने लगी। बीजेपी सरकार ने निर्दोष लोगों और बाबा साहेब के विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोगों को गिरफ्तार करके अपनी असली सोच दिखाई, मगर झूठ कभी जीत नहीं सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एसपी सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई होनी है। आजम खान ने 11 आपराधिक मामलों में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 17 जनवरी से शुरू होने वाला लखनऊ महोत्सव अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। लखनऊ के महोत्सव की नई तिथि का ऐलान अब 9 फरवरी को डिफेंस एक्सपो के समापन के बाद होगा। डीएम अभिषेक प्रकाश ने आयोजन स्थगित करने का फरमान जारी करके इसके पीछे युवा उत्सव और डिफेंस एक्सपो की तैयारियों को फुल प्रूफ बनाने की वजह बताई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंगलवार सुबह एक शव मिला। गौर चौक से पहले क्रिकेट ग्राउंड के पास बरामद किया गया। शव की पहचान और सिटी में रहने वाले गौरव चंदेल के रूप में हुई। चंदेल के घर वालों का आरोप है कि गौरव की हत्या की गई। परिवार ने सोमवार देर रात इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुबह उसकी लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
गाजियाबाद में कविनगर के सेक्टर 23 में हथियारों के बल पर बदमाशों ने एक बिल्डर के यहां पर लाखों की डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। बदमाश फ्लैट खरीदने के बहाने घर में घुसे और उसके बाद सभी बदमाशों ने पूरे परिवार को गन पॉइंट पे लेकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी लूटकर वो फरार हो गए। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया कि लूट के दौरान बदमाश विरोध करने पर गोली मारने की धमकियां दे रहे थे। दिनदहाड़े हुई घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जौनपुर में पुलिस की लापरवाही से परेशान एक परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद पति पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार के मुखिया की पत्नी को लेकर गांव के दबंगों ने आपत्तिजनक बात की, जिस पर पुलिस ने पहले कुछ लोगों को हिरासत में लिया लेकिन बाद में छोड़ दिया। साथ ही FIR दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। पुलिस के इस रवैये से परेशान होकर दोनों ने जहर खा लिया। गोंडा में चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने पूछताछ के दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया। ट्रक की तलाशी के दौरान पुलिस को 22 मवेशी ट्रक से बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है। झांसी में दबंगों का कहर देखने को मिला। कुछ दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे अधमरा कर दिया। दबंगों ने युवक की लाश खूंसों से पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। झांसी पुलिस लाइन में 258 PSC के जवानों की 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही है। इस ट्रेनिंग में सिपाहियों की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों की कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। लगातार कई घंटों की ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ 5 मिनट का समय जवानों को आराम करने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग पर आए इन युवा सिपाहियों की हिम्मत और हौसलों के आगे सर्द मौसम की मार भी फीकी पड़ रही है। प्रयागराज के सौराव में हुए सामूहिक नृशंस हत्याकांड में मारे गए 5 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। कानून मंत्री ने 24 घंटे के अंदर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी किए जाने का दावा भी किया। प्रयागराज में पिकअप पर लदी 10 बाइकें जलकर खाक हो गए। जसरा कस्बे के एक बाइक एजेंसी के लिए ये बाइक ले जा रही थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया लेकिन फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही सारी मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बरसात के कारण प्रयागराज के हजारों किसान आफत से जूझ रहे हैं। यमुना पार्क क्षेत्र में लाखों बीघा खेत में तैयार खड़ी फसल बारिश के पानी से खराब हो गई। धान क्रय केंद्र बंद पड़ा होने से किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, जिससे किसानों में आक्रोश पनप रहा है। कौशाम्बी जिला जेल में बंदी से मुलाकात करने पहुंचे एक शख्स ने गुड़ के अंदर गांजे की पुड़िया रख उसे अंदर पहुंचाने की कोशिश की। जांच के दौरान आशंका होने पर गुड़ को जब तोड़ा गया तो उसके अंदर गांजे की पुड़िया निकली। जेल अधीक्षक ने बंदी और उससे मिलने आए शख्स दोनों को जमकर फटकार लगाई। मुरादाबाद में दीनदयाल नगर साईं मंदिर के सामने डॉयच बैंक के ATM को तोड़कर चोरी करने की कोशिश करते हुए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई थी, जिसके बाद आरोपी युवक विनीत और एक अन्य को हिरासत में लिया गया। बलिया पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जिसमें शिकायतकर्ता को शिकायत करना भारी पड़ गया। पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाकर 2 किलोमीटर तक घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पीड़ित ने मानवाधिकार आयोग को खत लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा की मांग की है। विपक्ष ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। SC ST आरक्षण बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पारित करने की तैयारी में है सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह कुजवाल ने भी प्रदेश संगठन को घेरने की कोशिश की। गोविंद सिंह कुजवाल ने साफ कहा कि हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक हैं और जिन पदों पर कोई जाने की सोच नहीं सकता उन पर उन्होंने काम किया है। ऐसे में कई बार हरीश रावत की उपेक्षा साफ देखी गई। बड़े नेता के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। उत्तराखंड में वित्त विभाग की तरफ की शहरी निकायों और निगमों को नए साल का तोहफा दिया गया। वित्त विभाग की तरफ से शहरी निकायों को 94 करोड़, 8 नगर निगमों को 42 करोड़ का तोहफा दिया गया। इस धनराशि का इस्तेमाल नागरिक सुविधाओं के विकास, सड़क स्ट्रीट लाइट्स, कब्रिस्तान शमशान के रखरखाव, जल आपूर्ति, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करने के लिए होगा। देहरादून में नगर निगम का इलाका तो बढ़ गया है लेकिन काम अभी पेंडिंग पड़ा है। निगम में करीब 600 से 700 कर्मचारियों को भर्ती का प्रस्ताव पिछले 6 महीने से लटका हुआ है। युवा
निगम में भर्तियां खुलने के इंतजार में है। नगर निगम में 72 गांव शामिल होने पर निगम ने शासन को 650 कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसे 6 महीने हो चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2017 में मेट्रो प्रोजेक्ट और राज्य में नए पर्यटक स्थल विकसित किए जाने की घोषणा की थी। अब इस मुहिम को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक का साथ मिला है। राज्य में 13 नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक 1200 करोड़ रुपयों की वित्तीय मदद देने के लिए सहमत हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से इस लोन के लिए राज्य के प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। वामपंथी संगठनों से जुड़ी 10 ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ 10 जनवरी से एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियंस ने इस दौरान ट्रेन समेत सड़क परिवहन की सेवाओं को बंद रखने का ऐलान किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ इस हड़ताल में किसानों और बैंक कर्मचारियों के भी शामिल होने की संभावना जताई है। पौड़ी गढ़वाल में निर्माणाधीन 220 केवी रुद्रपुर श्रीनगर लाइन के निर्माण की वजह से सबस्टेशन श्रीनगर से विद्युत आपूर्ति अलग अलग तारीखों में बाधित रहेगी। कार्यदायी संस्था पिटकुल और विद्युत आपूर्ति करने वाले विद्युत वितरण खंड ने उपभोक्ताओं से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था करने की अपील की है। उत्तर भारत में सर्दी ने अभी भी ठिठुरन बनाई हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से ठंड बढ़ सकती है और बुधवार से दिसंबर वाले दिनों की वापसी हो सकती है। सोमवार को कई जगह बारिश होने से ठंड बढ़ गई। रुद्रप्रयाग में सर्द हवाओं के साथ ही रुक रुक बूंदाबांदी हो रही है। ठंड के मारे लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। केदारनाथ धाम के साथ तुंगनाथ देवरिया ताल महेश्वर सहित ऊंची चोटियों में रोज हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसका असर निचले इलाकों में पड़ रहा है। बारिश और ठंड के चलते लोगों को किसी तरह अलाव के सहारे दिन गुजारना पड़ रहा है। टिहरी जिले में बारिश के साथ मौसम फिर से बदल गया। बारिश के बाद पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी जारी है। बर्फबारी होने के कारण चंबा मसूरी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही में काफी वक्त लग रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी और ज्यादा बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। झील में फेरी वोटों का आज से संचालन शुरू हो गया। जिलाधिकारी के भुगतान देने के लिखित आश्वासन के बाद वोट संचालक मान गए। पिछले 6 दिनों से झील में फेरी वोट का संचालन बंद था। उत्तराखंड के टिहरी में एक तेंदुआ गिरफ्त में आया। वन विभाग ने इसे जाल बिछाकर पकड़ा। तेंदुआ एक कुत्ते का पीछा करते हुए दरअसल इस जाल में फंस गया। नकली शराब कांड से सबक लेते हुए कुमाऊं मंडल पर आबकारी विभाग ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की है। कुमाऊं के 6 जिलों में कार्रवाई पर सहायक आबकारी आयुक्त के कांडपाल ने बताया कि अप्रैल से नवंबर तक अवैध शराब की तस्करी के 1156 मामले सामने आए। करीब 42,300 लीटर अवैध शराब के साथ कच्ची शराब पकड़ी गई। खटीमा में एक दुकान में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते दुकान के साथ घर को भी आग की लपटों ने अपनी आगोश में ले लिया। पड़ोसियों की मदद से बहुत सी मुश्किलों से आग पर काबू पा लिया गया। उधम सिंह नगर में सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नाबालिग को सेक्स रैकेट में शामिल करने के आरोप में पहले शख्स की पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासे के बाद पति को भी गिरफ्तार किया गया। रामपुर के मसवासी नगर में स्थित बड़ौदा बैंक में चोरी की कोशिश की गई। चोर दीवार काटकर बैंक में घुस गए और कैश और लॉकर रूम को भी काटने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। रामनगर के आमपोखरा रेंज के पास मवेशी चराने गए युवक का टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। युवक के शोर करने पर ग्रामीणों ने उसे बचाया, लेकिन टाइगर के हमले से युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। जेएनयू में दरअसल छात्रों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर श्रीनगर में एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रविवार को हुई हिंसा में एबीवीपी के लोगों के साथ मारपीट की गई और वामपंथ के लोगों के द्वारा शिक्षण कार्य को प्रभावित किया जा रहा है। आज जीएसटी को लेकर बड़ी बैठक होनी है। राज्य सचिव की अध्यक्षता में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने को लेकर यह बैठक होगी, जिसमें टैक्स चोरी रोकने और फर्जी क्लेम पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा संभव है।
भारत श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज इंदौर में होगा। मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन के होलकर स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि इंदौर में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच में मौसम साफ रहेगा और इस दौरान बारिश की आशंका नहीं है। पहला मैच रद्द होने की वजह से बाकी बचे दोनों मैच जीतना जरूरी है। सीरीज में जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन की वापसी हो रही है, जबकि रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने हेटर्स को मुंहतोड़ जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब स्वरा भास्कर ने निशाने पर ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्य हैं। एक्ट्रेस ने अपने तीखे जवाब से राज शांडिल्य की बोलती बंद कर दी। जेएनयू विवाद पर अपनी राय रख रही स्वरा को राज शांडिल्य ने फेसबुक पोस्ट पर सस्ती चीज बताया था, जिस पर स्वरा ने आज राज शांडिल्य के आपत्तिजनक ट्वीट का करारा जवाब दिया। एक्ट्रेस ने लिखा, अगली बार रोल ऑफर करने और आपकी फिल्म के ट्रेलर को शेयर करने की रिक्वेस्ट वाले मैसेज भेजने से पहले आप भी सस्ती हरकतों के बारे में थोड़ा सोच लेना। तानाजी द अनसंग वॉरियर 10 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। यह फिल्म हर मायने में खास है, क्योंकि जहां एक तरफ अजय देवगन की 100वीं फिल्म है, वहीं ये साल 2020 की पहली ऐसी एपिक फिल्म है जो 2D के साथ 3D में भी रिलीज होने जा रही है। अजय देवगन और काजोल इस फिल्म में काफी समय बाद एक साथ नजर आने वाले हैं।